वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में बस्तर और कांकेर पर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं वह लोगों के जहन में है। इस बार भाजपा 400 पार की सीट के साथ देश में पूर्ण बहुमत के साथ फिर से मोदी जी की सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, जिसमें हमारा बस्तर और कांकेर भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के लिए यह पहली हार नहीं है, हार की लंबी आदत है जो बरकरार रहेगी, इंडिया गठबंधन का एंड हो जाएगा। देखिए, जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे वो पूरी तरीके से लोगों के जहन में है कि इस बार 400 पार के साथों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, जिसपे हमारा बस्तर और कांकेर भी सम्मिलित है। और कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढने का काम फिर से करेंगे, नए जुमले तैयार करेंगे, ईवीएम हैक हो गया या फिर पूरे सिस्टम को गाली देने का काम करेंगे, ये तो तयशुदा है। और जहां तक कांग्रेस के लिए बात है तो राहुल गांधी के लिए कोई पहली हार नहीं है, उनको तो हार की लंबी चौड़ी आदत है और ये आदत बरकरार रहेगी उनके जीवन पर्यंत।